आपको पता है ना, सेम लेक्चर में YouTube पे वापस अपलोड करता हूँ आके ना, ठीक है, वही रिकॉर्डेड क्लास होगा जो अभी अपना यहाँ पे चलेगा, तो उसका ही रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो कौन सा लेक्चर है, लास्ट टाइम का लेक्चर नंबर मैंने क्या दिया था, 5.3 दिया था ना। ओके, सो थोड़ा मैं थोड़ा वो अपना स्टार्टिंग वाला बोल देता हूँ, तो मुझे वापस वहां पे मिक्सिंग ना करना पड़े। यूनिट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लेक्चर नंबर 5.4। आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, अपेरेंट वेट, तो ये सब की डेरिवेशन और उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो हम कवर अप करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, यस और नो? ये फोकस गया, फोकस गया, ओके आ गया, यस और नो? क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। हिमांशु लेट क्यों आया तू? हिमांशु हाँ, वही कर रहा हूं भाई साहब, फोकस ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो फोकस बन जाएगा अपने आप, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सबको याद होगा, देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन। मैं बोलू कि हर एक एक्शन के सामने आपको इक्वल क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, यस और नो? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इक्वल एंड एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आके ना, यस और नो? क्लियर, इतना समझ में आके नहीं, कि हर एक एक्शन के सामने हमेशा आपको ऑपोजिट ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा, और ये जो रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो आपके एक्शन के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, कि मानो कि यहाँ पे एक मैं वॉल कंसिडर कर लूँ, और कोई वॉल ना, ये वॉल के ऊपर, कोई वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एफ के बराबर, ठीक है। अब आप सबको बताए कि जैसे वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा, तो वॉल के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो क्या बनेगी, एक्शन बनेगी, ठीक है। तो वॉल क्या करेगी सर, तो वॉल क्या करेगी, वॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस फोर्स लगाती है, जो इनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उनके ऊपर ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करती है, उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। तो याद रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, ठीक है, आगे जाके जब भी वन बाय वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे कंसिडर करते जाएंगे कि, और वहां पे बोलेंगे कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होती है ना, वो एक ऑब्जेक्ट पे कभी नहीं होती, ठीक है, वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट हो रही है। लाइक ये जो एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वॉल के ऊपर, और ये जो रिएक्शन का फोर्स है वो जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उनके ऊपर एग्जर्ट होगा, यस और नो? तो मानो कि वैसे ही यहाँ पे कंसिडर करूँ कि दो ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे कंसिडर करो इस सरफेस के ऊपर, ध्यान से देखो कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ना, एक कौन है, ऑब्जेक्ट बी है, यस और नो? आके ना, यस और नो? एक कौन है, ऑब्जेक्ट ए और एक कौन है, ऑब्जेक्ट बी। तो मानो कि ऑब्जेक्ट ए के ऊपर ये वाले डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी, और उनको क्या बोलो, एफ ए बी, ठीक है, क्लियर। तो देखो जब ए के ऊपर बी फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो उतना ही फोर्स ए किसके ऊपर एग्जर्ट करेगा, बी के ऊपर, ऐसे, यस और नो? आके ना, क्लियर। तो ए जो जो पहले फोर्स एग्जर्ट होगा वो एक्शन होगा, और जो बाद वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगा, यस और नो? पहले जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो कौन सी फोर्स होगी, एक्शन फोर्स होगी, और बाद वाली जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स होगी, क्लियर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर
AFAB, और आपने बोला ना ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते, लेकिन मैंने ये भी बोला था ना कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? ठीक है, और एक कौन है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अगर मैं इसको एक्शन फोर्स कंसीडर कर लूं कि पहले ये वाला एग्जर्ट हुआ, तो पहले जो एग्जर्ट होगा वो क्या होगा, एक्शन होगा, इज इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा सर, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स बनेगी सर, वो हमारी कौन सी फोर्स बनेगी, रिएक्शन फोर्स बनेगी। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला कि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन की होती है, यस और नो? आके ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होगी वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस्ड होगी, यस और नो? वो हमेशा कैसे प्रोड्यूस्ड होगी, पेयर में प्रोड्यूस्ड होगी, मतलब एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा। क्लियर इतना, यस और नो? चलो, हाँ, तो आप में से मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि और आपने कहाँ कहाँ पे एक्शन रिएक्शन देखा है? एक्शन रिएक्शन आपने कहाँ पे दिखा है? देखो, एक्शन जेक्शन वाली नहीं, ठीक है, एक्शन जेक्शन नहीं, एक्शन रिएक्शन। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, और कोई मुझे बोलेगा कहाँ कहाँ पे होगा? सर हर जगह पे होता है, हर जगह पे होता है, जहां पे आपका फोर्स एग्जर्ट होता है वहां पे रिएक्शन होगा। क्लियर, यस और नो? आकिना, जहां पे अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, तो इनके मास की वजह से ना, इसके मास की वजह से ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वेट होगा, एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो उनका नॉर्मल रिएक्शन ना अपवर्ड डायरेक्शन में हम कंसिडर करेंगे, यस और नो? जितना इनका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन में उनका क्या हम कंसिडर करेंगे, नॉर्मल फोर्स कंसिडर करेंगे। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? और वही उनको बैलेंस करेगा, समझ में आ कि नहीं? आ कि ना, तो हमेशा हमेशा पेयर के अंदर फोर्सेस एग्जर्ट होगी। अगर अगर मैं बोलूं कि मानो कि सर कोई ऑब्जेक्ट मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनके ऊपर ए वाली डायरेक्शन में एक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रही है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक्शन फोर्स है ना, तो यहाँ पे ना रिएक्शन फोर्स भी मिलेगी आपको, और रिएक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में मिलेगी, ए वाली डायरेक्शन में मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट तो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन स्लाइड करने से पहले, और स्लाइडिंग में भी आपका फ्रिक्शन होगा, लेकिन स्लाइड करने से पहले फ्रिक्शन भी ये वाले डायरेक्शन में एग्जर्ट होता है कि नहीं, यस और नो? उनसे अपोज करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पे आपका कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, वहां पे उनकी एक रिएक्टिव फोर्स भी होगी, मतलब कि एक्शन एंड रिएक्शन होगा, यस और नो? क्लियर? आपने वो बोट वाला एग्जाम्पल देखा है, बोट वाला एग्जाम्पल, कि जब भी मानो कि ये पानी की बोट है, ठीक है, तो वो बोट से वाटर को आप पीछे करोगे, वाटर को आप पीछे करते हो, ठीक है, तो फिर आपकी बोट आगे जाती है, लेकिन वो किसकी वजह से, वो मैकेनिज्म की वजह से, यस और नो? क्लियर? आके ना, वो मैकेनिज्म वाटर को पीछे डिस्प्लेस्ड करेगा, लेकिन वो बोट को कौन से डायरेक्शन में लेके जाता है, आगे वाले डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जैसे आप पानी के अंदर स्विम करके जाते हो, मानो कि स्विमिंग पूल के अंदर हो, तो आप हाथ से क्या करोगे, पानी को पीछे करोगे, यस और नो? आप स्विमिंग पूल में हाथ से पानी को पीछे करते हो, और आपकी बॉडी कौन से डायरेक्शन में जाती है, आगे वाली डायरेक्शन में, हाँ कि ना, यस और नो? यस और नो? ठीक है, फिर आप ग्राउंड के ऊपर जो चलते हो ना, तो वो भी वहां पे भी आपका आपका एक्शन रिएक्शन काम करेगा। आपने वो मिल्खा सिंह वाली मूवी देखी है, यस और नो? आपने देखा है वो जो जो रेसिंग होती है, ठीक है, मतलब कि जो रनिंग्स होती है, वहां पे देखा आपने कि जो रनर्स होते हैं ना, उनके बैक साइड पे, ध्यान से सुनना ये, उनके बैक साइड पे ना ऐसे करके एक शेप रखा जाता है ऐसे, और यहाँ पे रनर का पैर ना ऐसे यहाँ पे होगा, ये रनर की पैर होगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये ग्राउंड होगा, इनिशियली मोमेंटम इनको मिलेगा,
ये जो भी ऐसा क्यों कि जैसे आप बैठ, हाँ मैं सिंपल टर्म्स में बोलो ना तो बूस्टिंग मिल जाता है आपको, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए ना वो ज्यादा मिलेगा। अब देखो नॉर्मली आप चल के जाते हो ना जब भी, अब देखो इनका फोर्स ना ऐसे एक होगा यहाँ पे, ये आपका फोर्स आप पुश करके रखोगे, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक होगा, और इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल। यस और नो? रिएक्शन के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, फोकस क्यों बार बार निकल जाता है, ये कोई गड़बड़ है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यस और नो? आकी ना, चलो आकी ना, क्लियर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन की मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आपको ज्यादा मिलेगी, इनिशियल मोमेंटम ज्यादा मिलेगी मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको ज्यादा मिलती है। और कभी कभी वो मिल्खा सिंह वाला मूवी देखोगे ना तो वहां पे ऐसे शेप नहीं गिवन था, लेकिन वो फिर पैर से क्या करता है, मिट्टी के अंदर थोड़ा सा खड्डा कर लेता है ऐसे। यस और नो? पैर से पीछे से, हाँ कि ना? तो ये याद रखना, क्लियर। यहाँ पे तो हर एक जगह पे आपको एक्शन रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मानो कि कोई कार्ट पुल हो रही है, अगर कोई कार्ट पुल हो रही है तो वहां पे भी दोनों फोर्सेस एग्जर्ट हो रही है, हर एक केस में आपको वहां पे एक्शन रिएक्शन मिलती है, क्लियर। चलो तो ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उनके रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो याद करो कि ये जो आपकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, तो आपकी जो नेचुरल फोर्सेस है, लाइक अ मैकेनिकल फोर्सेस है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, मतलब कि आपकी ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्लियर। तो वो मैकेनिकल हो, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या तो और भी नेचर का कोई भी फोर्स हो, उनके लिए एप्लीकेबल है। यस और नो? आके ना, ठीक है। फिर देखो कि मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि अगर ये वॉल वाला एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं, और मानो कि आप वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखना कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन होगी, दोनों कौन से डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे ऐसे कोई एक्शन होगा, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका कौन सा फोर्स होगा, एक मिनट में पेंच बदल देता हूँ, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा सर, रिएक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, लेकिन साथ में मैं बोल सकता हूँ कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होते हैं, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वॉल मैं कंसिडर करूँ, अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, तो अगर वॉल के ऊपर फोर्स कंसिडर करूँ तो वॉल के ऊपर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, एक्शन फोर्स, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे जो भी मैन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन होगा, तो वो पर्सन के ऊपर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, रिएक्शन फोर्स। यस और नो? तो मैं बोल सकता हूँ ना, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन बोथ विल एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यस और नो? ठीक है, आगे ना। फिर आप ऐसे नहीं बोलोगे कि सर एक्शन की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन थी, रिएक्शन की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, ये अगर 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन का रिएक्टिव फोर्स है, तो नेट फोर्स 0 बन गया। यस और नो? ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट हो रही है। यस और नो? आके ना, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर सर ये यहाँ पे इनके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, एक्शन का फोर्स, ठीक है, क्लियर। तो सामने जो रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो जो भी यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट होगा, लेकिन वो रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, पर्सन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, और ये एक्शन फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है,
ठीक है, तो आप ऐसे नहीं, आपने बोला था ना सर, अगर राइटवर्ड डायरेक्शन का 10 न्यूटन फोर्स, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन का 10 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स 0। लेकिन ये कब, जब एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एग्जर्ट हो, इनके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स, इनके ऊपर ये 10 न्यूटन की फोर्स, तो नेट फोर्स बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक्शन फोर्स आपका किसके ऊपर एग्जर्ट होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर एग्जर्ट होगा, पर्सन के ऊपर। ठीक है, तो दोनों दोनों आपकी एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे एक्ट हो रही है, तो उनका नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर इतना, यस और नो? आ कि ना, समझ में आ कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो कि आप मुझे बोल सकते हो कि रिएक्शन मुझे कब मिलेगा। हाँ, पहले कोई एक्शन होगा, वो एक्शन होने के बाद मुझे रिएक्शन मिल सकता है कि नहीं? अगर कोई रास्ते से जा रहा है और आप उनको कोई ऐसे, मतलब कि आप उनको कोई परेशानी दोगे, फिर जाके वो रिएक्शन में कुछ करता है कि नहीं, यस और नो? ऐसे कोई सामने से थोड़ी आपके सामने झगड़ा करने को आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा पहले क्या होगी, एक्शन होगी, पहले क्या होगी, एक्शन होगी, और फिर जाके हमें क्या मिलती है, रिएक्शन मिलेगी, यस और नो? आपने वो एक गेम होती है याद है आपको, कि यहाँ पे बीच में एक लंबी सी रस्सी होगी, एक लोगों का ग्रुप यहाँ से इनको ये वाले डायरेक्शन में खींचेगा, एक ग्रुप ये वाले डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे खींचेगा, टग ऑफ वार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टग ऑफ वार, यस और नो? ठीक है, तो टग ऑफ वार में अगर मैं बोलू एक साइड कोई है ही नहीं, आप खींचो इनको, तो पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं। एक ओर से होगा एक्शन, तो दूसरी ओर से क्या होगा, रिएक्शन। क्लियर इतना? हाँ कि ना? यस। एक्शन एंड रिएक्शन खाली इतना याद रखो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, लेकिन कौन से, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एक्शन होगा, बाद में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, और नेचर के अंदर मोस्टली हर एक केसेस के अंदर आपको एक्शन एंड रिएक्शन कंबाइन मिलती है। ठीक है, मतलब कि एक्शन के सामने आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। क्लियर इतना, यस और नो? आ कि ना? ठीक है, क्लियर इतना? ओके, यस और नो? चलो फिर मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, तो फिर नया टॉपिक कौन सा, अपना हॉर्स कार्ट एक्सप्लेनेशन। आपने देखा ना कि वो हॉर्स होगा, वो अपने पीछे जो भी कार्ट आ रहा है, ठीक है, उनको पुल करके लेके जाता है। ठीक है, तो जब भी वो कार्ट को पुल करके लेके जाता है, तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, और लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि सर टेंशन क्या होता है, और वहां पे मैंने बोला था ना कि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होगी, आपकी टेंशन फोर्स होगी, तो उनके रिलेटेड यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लियर? तो मानो कि एक सरफेस में कंसिडर कर लू, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मानो कि एक सरफेस में यहाँ पे कंसिडर कर लू, एक ये वाली सरफेस कंसिडर कर लू। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ट है, ये आपकी कार्ट है। ठीक है, चलो उनको एक स्ट्रिंग के साथ मैंने बांध के रखा है, और यहाँ पे कौन है, हॉर्स है। अब देखो हॉर्स में ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने को, ठीक है, लेकिन अगर बिना कोई ऐसे मिले हॉर्स, ठीक है, तो आप कोई ऐसे गुस्सा मत करना कि ये हॉर्स बना, क्या बना मुझे पता नहीं है, ये बन गया, चलो ऐसे ही होगा ना, चलेगा ना ऐसे हॉर्स, हाँ कि ना? ठीक है, ड्राइंग मेरा वैसे भी पुअर है। चलो तो यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने ये वाला केस आपको एक्सप्लेन किया ना, कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट होगा, तो उनका रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सेम वे कि हॉर्स क्या करेगा, ये हॉर्स क्या करेगा सर, ग्राउंड को प्रेस करेगा, ग्राउंड के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो जाके हमें क्या मिलेगा, उनका रिएक्शन फोर्स मिलेगा। तो मानो कि मैं इनका हॉर्स का सेंटर यहाँ से कंसिडर करके बात कर रहा हूँ, तो मानो कि हॉर्स ने ये वाली डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ के बराबर, कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ के बराबर, तो
तो उनका रिएक्शन क्या मिलेगा सर? उनका रिएक्शन रिएक्शन फोर्स मानो कि मैं कंसीडर कर लूँ आर के बराबर, समझ में आ कि नहीं? यस और नो? आ कि ना? चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल कंपन नॉर्मल रिएक्शन जो आपको मिला, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स मिला, नॉर्मल नहीं बोल सकता मैं, ये जो रिएक्शन मिला आर, उसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं एच लिखूंगा और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं क्या लिखूं, वी के बराबर। समझ में आ कि नहीं? मतलब देखो, फोर्स का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट होगा, उसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट होगा वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। कौन से कंपोनेंट की वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, क्लियर। और ये देखो सर, वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो हॉर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, हॉर्स को बैलेंस करेगा। कैसे? तो आपको सबको पता है कि अगर हॉर्स का मास, अगर मैं हॉर्स का मास में कंसिडर करूँ, ठीक है, तो उनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट होगा कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, क्लियर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हॉर्स का वेट एक्ट होगा, तो वो वेट को बैलेंस कौन करेगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर। ये फोर्स के सामने कौन था, रिएक्शन था आर, और ये कौन है, एच है। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ना क्लियर इतना? ये हॉर्स वाली साइड क्लियर आपकी, यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलो यहाँ पे हॉर्स का मास मैं कंसिडर करूंगा स्मॉल एम के बराबर, और ये जो कार्ट है वो कार्ट की मास मैं कंसिडर कर लूँ कैपिटल एम के बराबर। चलो अब आगे क्या, तो सर आगे क्या कि जो हॉर्स का फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वही फोर्स की वजह से हॉर्स आगे जाता है। लेकिन आपने सर हॉर्स के साथ ना यहाँ पे स्प्रिंग को बांध के रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना ये, ध्यान से सुनना, जितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उतना ही ये वाली डायरेक्शन में स्प्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा, यस और नो? आ कि ना? ठीक है, अब देखो, अगर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये टेंशन से ज्यादा होगा तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। फोर्स अगर ये टेंशन, ये देखो ये टेंशन ज्यादा होगी बैक साइड पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, तो फोर्स आगे नहीं निकल पाएगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? तो देखो पहले ये वाली फंडा को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इक्वेशन थ्रू, यस और नो? आके ना, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, व्हेन फोर्स मूव्स, ठीक है, कि जब फोर्स आगे की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन से जाएगा तो कैसे होगा, तो वो कब पॉसिबल है, वो कब पॉसिबल है सर, जब एच आपका ग्रेटर देन ना टी बनेगा, ठीक है, एच आपका क्या होगा, ग्रेटर देन टी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, इनके अंदर टेंशन है, और ऊपर से इनका भी कोई मास है कैपिटल एम, ठीक है। तो अगर अगर मैं सिंपल बोलू, इनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ए वाले डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ए वाले डायरेक्शन में होगी, यस और नो? तो यहाँ पे भी इनके अंदर भी टेंशन, ये टेंशन की वजह से रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, ये पुल कर रहा है ये कार्ट को, ठीक है। अब मैं बोलू कि हॉर्स जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उनसे ज्यादा ये, इनका मास काफी ज्यादा होगा, ठीक है, तो इनके अंदर टेंशन ज्यादा डेवलप हो रही है, लेकिन ये कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगी, ठीक है। तो कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने के लिए कौन सी कंडीशन है, कि हॉर्स का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स होगा वो आपके टेंशन से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यस और नो? आके नो? ठीक है, तो मैं वहां पे बोलू कि सर ये हॉर्स के ऊपर ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच और ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में टी। तो नेट फोर्स ऑन हॉर्स क्या होगा, तो सर नेट फोर्स ऑन हॉर्स क्या होगा, तो वो किसके बराबर होगा सर, एच माइनस टी के बराबर।
ठीक है। और अगर मैं बोलू कि जो हॉर्स के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ये जो नेट फोर्स है उनकी वजह से अगर एक्सेलरेशन हॉर्स का हुआ, ठीक है, अगर मानो कि उसको मैं ए के बराबर कंसिडर करूँ, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनके ऊपर जो भी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स होगा, उनकी वजह से जो इक्वेशन बनेगा, उनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो रिजल्टेंट फोर्स आपकी किसके बराबर है, एच माइनस टी के बराबर, यस और नो? हाँ कि ना? ओके, चलो, तो ये हॉर्स वाली साइड हो गई। फिर देखो सेकेंड कार्ट वाली साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कार्ट पे देखो कि कार्ट आगे कब जाएगा, ठीक है, तो सिंपल है, टेंशन इनको पुल करेगा तो कार्ट आगे जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक कार्ट को पुल करने के लिए आपको कौन से फोर्स से बाहर निकलना है, सर ये फ्रिक्शन फोर्स से हमें बाहर निकलना होगा। तो ये जो टी की वैल्यू होगी, जो इनका टेंशन है, ठीक है, वो टी की वैल्यू होगी, वो किन से ज्यादा बननी चाहिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स से, यस और नो? और याद रखना आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना, वो हमेशा मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, यस और नो? क्लियर आ कि ना, यस और नो? फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल है, हाँ सब है ऑलमोस्ट, ओके सर, हाँ ओके सर, नो प्रॉब्लम, चलो बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये जो टेंशन होगा जो कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा बनेगा, वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स से, आई एम नॉट ऑडिबल, गजब की बात कर रहे हो, मेरा ही फोन है, मेरी नहीं आवाज आ रही है अभी, है हेलो अभी क्लियर? तो किसको ऑडिबल, मुझे म्यूट करके बोल रहे हैं सर यू आर नॉट ऑडिबल, ठीक है, मैंने क्या गलती कर दी, तो मुझे ही म्यूट कर दिया। चलो, तो अगर ये टेंशन ज्यादा होगा फ्रिक्शन से, तो कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूं कार्ट मोशन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कार्ट की मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाई साहब कब होगी, तो सिंपल सर, जब टी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन एफ होगा, तो टी आपका ग्रेटर देन एफ होगा तो कार्ट आगे जाएगा। अब देखो कि इनके ऊपर भी दो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, टी राइटवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स ऑन अ कार्ट कितना होगा सर, तो नेट फोर्स ऑन अ कार्ट कितना होगा सर, टी माइनस एफ के बराबर होगा, ठीक है। एंड अगेन फ्रॉम दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि इनका मास किसके बराबर, ए के बराबर। अब देखो दूसरी बात, अगर यहाँ पे जितना हॉर्स का एक्सेलरेशन होगा उतना ही इनका एक्सेलरेशन होगा, याद रखना दोनों एक ना स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ए। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल एम था ना, वो मास ऑफ हॉर्स था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा मास ऑफ कार्ट, क्या आ जाएगा, मास ऑफ कार्ट के बराबर, ठीक है। और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, टी माइनस एफ के बराबर, यस और नो? किसी ने मैसेज किया अभी, क्या मैसेज किया, एक मिनट सर, यू वेर नॉट ऑडिबल, प्लीज रिपीट। ओके चलो, अभी तुझे एक को प्रॉब्लम हुआ, बाकी सब ठीक था। अब देखो यहाँ पे फिर से देख लो फटाफट कि ये कार्ट के ऊपर ना राइटवर्ड डायरेक्शन में टी है, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में कौन है, फ्रिक्शन है। जब टी की वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखो कार्ट का एक्सेलरेशन और ये हॉर्स का एक्सेलरेशन दोनों सेम होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब टी इज ग्रेटर देन एफ होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगी, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बनता है कि
कि जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर है, टी माइनस एफ के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। इनको बोलो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्पर्श अभी इतना, यस और नो? सिंपल है, खाली इतना ही किया मैंने। आकिना स्पर्श बोल दे अभी, ओके ठीक है। चलो अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन मुझे तो फाइनली क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हॉर्स या बोलो या तो कार्ट बोलो, ठीक है, तो हॉर्स या कार्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चल तो वो एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करो सर, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो, यहाँ पे किसको ऐड करो, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, इक्वेशन 1 + 2 कर रहा हूं मैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा सर, एच माइनस टी प्लस टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास क्या होगा, ये मास ऑफ फोर्स होगा, और ये क्या होगा, मास ऑफ कार्ट होगा, ये याद रखना, ये क्या होगा, मास ऑफ फोर्स, ठीक है, और ए एम क्या होगा, मास ऑफ कार्ट, यस और नो? आके ना क्लियर इतना, यस और नो? समझ में आ कि नहीं? तो ए सर टी टी कैंसल, यहाँ पे बचेगा कौन सर, एच माइनस एफ, और ए वाले साइड पे ना एक्सेलरेशन को कॉमन करो तो ये क्या होगा सर, एम प्लस कैपिटल एम, यस और नो? तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एच माइनस एफ, ठीक है। ये देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? ये हमें क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। समझ में आ कि नहीं? तो मैं बोलू कि फाइनली एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब ये एच आपका ना एफ से ग्रेटर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना दो कंडीशन हमने अलग अलग अप्लाई की थी ना, तो फाइनल कंडीशन क्या मिली कि अगर ये एच आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स या आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उनसे अपोजिट डायरेक्शन की, अगर एच उनसे ज्यादा होगा तो हॉर्स एंड कार्ट दोनों को एक्सेलरेशन से क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यस और नो? आके ना हाँ ठीक है। चलो क्लियर यहां तक इतना? तो जब भी न्यूमेरिकल होगा हमें इन्हीं के बेसिस पे करना है, ठीक है, और ये दो इक्वेशन को अंदर यूज कर सकते हैं डिपेंडेंट ऑन गिवन डेटा, कि कैसे हमें गिवन डेटा गिवन होगा उसके ऊपर, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है आपकी अपेरेंट वेट, क्लियर इतना? चलो तो नेक्स्ट केस कौन सा है अपना, सॉरी नेक्स्ट केस नहीं, नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, अपेरेंट वेट। तो वेट तो सबको पता है ना, W इज इक्वल टू एम इंटू जी के बराबर, यस और नो? तो सर ये अपेरेंट वेट क्या होती है, ये अपेरेंट वेट क्या होती है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन कर दूं कि मानो कि एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये आपकी हेलीकॉप्टर है, ठीक है, क्लियर, और यहाँ से कोई आपको नीचे फेंके, यहाँ से कोई आपको नीचे फेंके, और मैंने क्या बोला कि आपको जब नीचे फेंका गया ना, ठीक है, तो आपके जो पैर है ना, आपके पैर उनके साथ ना वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा दिया मैंने, वो आप जिम के अंदर देखते हो, ठीक है, कहीं पे वेट मेजर करते हो, ठीक है, तो वो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना मैंने आपके पैर के साथ बांध दिया, ठीक है, ऐसे पैर के नीचे, यस और नो? और मैं आपको बोलू आप जब नीचे नीचे जा रहे हो, ठीक है, आपका फ्री फॉल हो रहा है, तो वो टाइम पे आप वो इंस्ट्रूमेंट पे चेक करना आपको वेट कितना दिखाएगा, कितना वेट दिखेगा, कितना वेट दिखे, फ्री फॉल है, ठीक है, फ्री फॉल के अंदर आपको पता है वेट क्या मिलती है, आपको जीरो मिलती है, ठीक है। तो ये देखो फ्री फॉल का अपेरेंट वेट हो गया। अगर मानो कि कोई एक्सेलरेशन से मैं आपको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है, कोई कोई एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आओ, ठीक है, लेकिन कौन सी मोशन होती है वहां पे, अपवर्ड और राइटवर्ड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन की मोशन, ठीक है, और वहां पे देखो वहां पे ना आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट होगा, तो वो टाइम पे आपकी जो अपरेंट वेट होगी वो अलग होगी। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं, फिर डिटेल में डेरिवेशन में जाते हैं। मानो कि ये लिफ्ट है, ठीक है, मानो कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है,
और आप ये वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसे खड़े हो, ठीक है। चलो मानो कि लिफ्ट वैसे ही अपनी जगह पे है, तो आपने वेट नोट कर लिया, ठीक है। फिर लिफ्ट को मैं कोई एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो जब मैंने नोटिस किया ना यहाँ पे, तो मेरा वेट बढ़ गया, वेट मेरा इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर कोई एक्सेलरेशन से मैं लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, तो मैंने वहां पे क्या देखा, मेरा वेट कम हो गया। तो ये जो वेट आपको कम होके दिखेगा, या तो वेट आपको जो ज्यादा दिखेगा, उसी वेट को हम क्या बोलेंगे, अपरेंट वेट बोलेंगे। यस और नो, समझ में आ कि नहीं? यस और नो। तो इनके लिए जो वेट के अंदर जो चेंजेस हो रहा है ड्यू टू मोशन, ठीक है, क्लियर। आपकी जो मूवमेंट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है, क्लियर। अब ये ब्लर क्यों हो गया, क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो ये जो आपको वेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसी वेट को हम क्या बोलेंगे, अपरेंट वेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाला केस हमें यहाँ पे स्टडी करना है, क्लियर हाँ कि ना? चलो मैं स्टार्ट करूं। तो देखो, फर्स्ट व्हेन व्हेन लिफ्ट इज मूविंग व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो हाँ कि ना? हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? ओके चलो, अब देखो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो मानो कि यहाँ पे एक लिफ्ट में कंसीडर कर लो, ये लिफ्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे रख दिया, आप उनके ऊपर खड़े हो, आपको कहाँ पे खड़े रहना है, ये वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, क्लियर। और आपका मास मानो कि अगर मैं एम के बराबर कंसीडर कर लूँ, आपका मास कितना है, स्मॉल एम के बराबर, ठीक है। तो आपको पता है ना कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, वेट एक्ट होगा, जो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर एम जी, लिखते हो आप, यस और नो? अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स है, तो आपकी ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में इनकी रिएक्शन फोर्स होगी, यस और नो हाँ कि ना? और ये जो रिएक्शन है ना, वही आपका अपरेंट वेट है, और आपका जो अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, ए के बराबर, यस और नो हाँ कि ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है ना, वही आपका अपरेंट वेट है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे बता दूं कि अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नेट फोर्स बोल सकते हो कौन सी होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आर, ये देखो ध्यान से, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है आर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है डब्ल्यू, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, आपकी ऑब्जेक्ट की मोशन कहाँ पे हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड कंपोनेंट माइनस डाउनवर्ड कंपोनेंट, यस और नो? ये मैंने क्या लिखा, अपवर्ड कंपोनेंट माइनस डाउनवर्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो कि इनका एक्सेलरेशन किसके बराबर, ए के बराबर, और ये जो वेट और नॉर्मल रिएक्शन है आपकी, जो अपरेंट वेट है वो वही मास एम के लिए, और वही मास आपका ऊपर जा रहा है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ एम इंटू ए के बराबर, यस और नो? इनको याद रखना, अगर अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड का होगा तो मैं करूंगा डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, क्योंकि रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा वही डायरेक्शन के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं, यस और नो आके ना? ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखो कि सर आर किसके बराबर होगा, तो सर आर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू प्लस एम इंटू ए। चलो सर डब्ल्यू क्या होगा, सर डब्ल्यू एम जी के बराबर होगा, डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, यस और नो आके ना? तो डब्ल्यू एम जी के बराबर और ए एम इंटू ए के बराबर, यहाँ से क्या होगा सर, एम कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, जी प्लस ए मिलेगा, तो ये आपका आर होगा। और आपको पता है यहाँ पे एम आपका मास होगा, जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, आपका ये आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, ठीक है।
तो ये देखो आपकी जो अपरेंट वेट होगी वो प्लस एक्सेलरेशन से हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आपको एक केस में कैलकुलेट करके देता हूँ, आप वहां पे अपरेंट वेट फाइंड आउट करना, यस और नो, आके ना, यस और नो, ठीक है। तो मानो कि एक लिफ्ट है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, मानो कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी पर्सन है उनका मास आपको मैं दे देता हूँ, ये जो मास ऑफ पर्सन है, ठीक है, मास ऑफ पर्सन कंसिडर करो कि वो 49 kg का है, कितना मास है उनका, 49 kg, और आपकी जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और ये जो एक्सेलरेशन है मानो कि वो कितना है, 1.2 m/s², एक एक्सेलरेटर का न्यूमेरिकल का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका अपरेंट वेट फाइंड आउट करना है, अपरेंट वेट आपको फाइंड आउट करना है, यस और नो। चलो तो अपरेंट वेट क्या मिलेगा, अपरेंट वेट क्या मिलेगा, जी की वैल्यू आप कंसिडर करोगे 9.8 m/s², अपरेंट वेट क्या मिलेगा, हाँ कैलकुलेट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पहली बात तो 539, चलो कर लेते कैलकुलेट। तो अपरेंट वेट का तो सिंपल सा फॉर्मूला है सर, मास जी प्लस ए, ठीक है, तो मास की वैल्यू कितनी है 49, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, और एक्सेलरेशन कितना दिया हमें 1.2, ठीक है सर। देखो यहाँ पे ये कितना होगा, 1.8 11 होगा, तो 49 × 11 आंसर क्या मिला, 530, ठीक है, न्यूटन, यस और नो, सही है कैलकुलेट किया ना, ओके सर। ये हमें अपरेंट वेट मिला, ये हमें क्या मिला, अपरेंट वेट मिला। तो सर नॉर्मल वेट कितना दिखेगा, तो देखो कि नॉर्मल वेट का कैलकुलेशन, नॉर्मल वेट क्या मिलेगा आपको, डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे देखो आपका मास कितना है, 49 है, ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूं तो 49 × 9.8, तो ये क्या मिलेगा, 480.2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 480.2। तो देखो अभी दोनों के अंदर डिफरेंस मिला कि नहीं सर, ये 480.2, और जब लिफ्ट आपकी कोई एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगी तो वो क्या मिला, 539। तो देखो ये वेट के अंदर चेंज हुआ कि नहीं, यस और नो, तो यही आपकी कौन है, अपरेंट वेट है। तो जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या बन जाए, एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन का, तो वेट वहां पे ज्यादा मिलेगा, यस और नो, क्लियर इतना, हाँ कि ना, ठीक है, क्लियर। हाँ फिर सेकेंड केस की, सेकेंड केस की, जब लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, व्हेन व्हेन लिफ्ट मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। चलो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, तो उनका देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो फिर से देखो, वही लिफ्ट में कंसिडर कर रहा हूँ, बार बार क्यों लिफ्ट बदलेंगे, वही लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कोई आप में से कोई खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट हो रहा है, डब्ल्यू एम जी के बराबर, अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन है, अपेरेंट वेट है आर के बराबर, और लिफ्ट जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विथ सम एक्सेलरेशन ए, और आपका जो मास है वो किसके बराबर है, स्मॉल एम के बराबर। तो देखो नेट फोर्स क्या होगा, मैंने आपको बोला था ना कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, और देखो इनको आगे मैं हर जगह पे ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड क्या होगा, डब्ल्यू माइनस अपवर्ड क्या होगा, आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए, यस और नो, आके ना, यस और नो, ठीक है। तो आर किसके बराबर होगा सर, डब्ल्यू माइनस एम इंटू ए के बराबर होगा सर, डब्ल्यू एम जी के बराबर होगा,
ठीक है, तो W की जगह पे एम जी, एम कॉमन, जी माइनस ए, तो ए मिल गया आपको R, ए आपको क्या मिल गया, R मिल गया। यस और नो, क्लियर इतना? हाँ कि ना? तो देखो जी माइनस ए हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ था सर, यहाँ पे जी प्लस ए हुआ था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो अपेरेंट वेट आपकी कम होगी जब आपकी लिफ्ट कौन से डायरेक्शन में ट्रावल करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, जब लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रावल करेगी, ठीक है, तो उनका अपेरेंट वेट कम होगा। देखो फिर से वही केस कंसिडर कर ले, भाई साहब का मास वही है 49 kg, और मानो कि लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है 1.2 m/s² के एक्सेलरेशन से, तो इनका अपेरेंट वेट कैलकुलेट करो। तो आप लोग चलो जल्दी करो, देखो मास वही है, तो अपेरेंट वेट होगा सर आर इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। मास कितना 49, जी की वैल्यू 9.8, एक्सेलरेशन कितना होगा 1.2। तो आप जो भी कैलकुलेट करोगे ना, वो देखो ये वाली वैल्यू से कम मिलेगा। ये जो नॉर्मल था, ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो था तो वो 480.2 था ना, उनसे कम मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं बोल पाऊंगा ना कि वहां पे अपेरेंट वेट कम हुआ, यस और नो? आके ना, आके ना, कितना आंसर मिला, कितना आंसर मिला, चलो जल्दी करो, 421.4 मिलना चाहिए, यस और नो, यस और नो? ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट केस, फिर देखो नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस के अंदर क्या है कि व्हेन लिफ्ट इज एट अ रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट अ रेस्ट। अब देखो एट अ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे होगी मतलब क्या सर, या आपका यहाँ पे मास मेजरमेंट डिवाइस है, यहाँ पे कोई खड़ा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जीरो ना, तो यस और नो, क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो केस है कि या तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो बने, ठीक है, और सेकेंड केस में भी एक्सेलरेशन जीरो बन सकता है। तो वो कब कब पॉसिबल है कि सर अगर अगर लिफ्ट रेस्ट पे होगी तो उनका एक्सेलरेशन जीरो बनेगा, सही बात है, लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि जो लिफ्ट की मोशन हो वो यूनिफॉर्म मोशन हो, यस और नो? आके ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, यस और नो? ठीक है, और मूविंग विथ यूनिफॉर्म 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 वेलोसिटी। तो सर ये जो एक्सेलरेशन है, तो ये आप अपने फ्लैट में जो नॉर्मल लिफ्ट देखोगे ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन वाली होती है, लेकिन मानो कि अगर कोई बिल्डिंग है 150 150 है, ठीक है, उनकी 150 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वहां पे लिफ्ट का ना धीरे धीरे एक्सेलरेशन होगा, इनिशियली लो स्पीड से स्टार्ट होगी और जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उनके पास ना कोई एक्सेलरेशन होगा, उनके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्लियर? वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उनका कोई एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का, लेकिन अगर मैं बोलूँ लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आपको एक्सेलरेशन क्या मिलता है, जीरो, यस और नो? हाँ कि ना? ना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो। तो आप दोनों में से कोई भी केस कर लो, तो मानो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेट मैं W कंसिडर करूँ, अपरेंट वेट को मैं R कंसिडर करूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूँ R माइनस W, तो वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो ऐसे बनेगा कि नहीं, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ R इज इक्वल टू W, मतलब जितना आपका एक्चुअल वेट होगा उतना ही आपका कौन सा वेट बनेगा, अपरेंट वेट बनेगा, यस और नो? आके ना, आके ना, क्लियर इतना? चलो हाँ क्लियर। तो ये कब, जब एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा तब। अब देखो फिर नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस के अंदर क्या है कि आपको पता है ना ये लिफ्ट की जो भी मोशन होती है ना, तो यहाँ पे ऊपर एक पुली होती है, ठीक है, उनके साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड होती है ऐसे, ठीक है, क्लियर। और ये फिर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना, अगर मानो कि ये स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दू, ठीक है, यहाँ पे जो भी इनका जो रोप होगा, मेटल का जो भी रोप होगा, अगर मानो कि वो यहाँ से कट कर दू, तो
तो लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? वहां पे देखो लिफ्ट की जो मोशन होगी ना वो फ्री फॉल वाली मोशन होगी, ठीक है? तो मैं ऐसे बोलू, व्हेन रोप इज कट डाउन, ठीक है, रोप जब आप कट करोगे तो लिफ्ट की जो मोशन होगी वो क्या होगी? फ्री फॉल वाली, ठीक है? वो कौन सी मोशन होगी आपकी? फ्री फॉल वाली, कि मानो कि यहाँ पे आपका ये पुली है, ठीक है, और यहाँ पे रोप है, रोप को मैंने कट कर दिया, तो लेफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है फ्री फॉल होके, तो फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर बन जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर बनेगा कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो देखो फ्री फॉल होगा तो ये किसके बराबर होगा? जी के बराबर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, आर एम जी माइनस ए के बराबर, लेकिन एक्सेलरेशन आपका जी के बराबर होगा तो जी माइनस जी क्या बन जाएगा? जीरो, ठीक है? तो अपरेंट वेट आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? आ कि ना? वो हेलीकॉप्टर वाला मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन किया ना, कि हेलीकॉप्टर से जब भी आपको कोई फेंके नीचे, तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, वहां पे फ्री फॉल करोगे, ठीक है? तो वहां पे आपका अपरेंट वेट क्या होगा? जीरो होगा। तो देखो अभी तक आपने क्या क्या स्टडी किया, कि ये वाले केस में क्या होगा, कि आपका जो अपरेंट वेट होगा, आपका जो अपरेंट वेट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ग्रेटर देन दी एक्चुअल वेट होगा, यस और नो? आके ना, कब? जब लिफ्ट आपकी कोई एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, क्लियर इतना? फिर सेकंड केस में हमने क्या देखा सर? सेकंड केस में हमने क्या देखा कि जब लिफ्ट कोई एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो वहां पे अपना जो अपरेंट वेट होगा वो क्या होगा? लेस देन दी एक्चुअल वेट होगा, यस और नो? और ए वाले केस में क्या हुआ सर? ये वाले केस में क्या हुआ कि अपरेंट वेट आपकी किसके बराबर बन गई? हाँ, एक्चुअल वेट के बराबर, सही है, ठीक है, एक्चुअल वेट के बराबर बन गई ये वाले केस में। और ये वाला जो केस हुआ फ्री फॉल वाला, तो वहां पे सर अपरेंट वेट हमें क्या मिल गया? जीरो के बराबर, ठीक है? तो फ्री फॉल के केस में अपरेंट वेट हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्लियर इतना, यस और नो? तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है? तो फिर अपना जो भी लेक्चर होगा वहां पे आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये संडे हम चैप्टर 3 के JEE पे जाएंगे, ठीक है? ओके, यस और नो? टू हो गया ना प्रिंसी? मैंने वो परसेंटेज एरर वाला आपको करवा दिया, ठीक है? फिर सेकंड माइक्रोमीटर भी हो गया और वर्नियर कैलिपर भी हो गया। नहीं, आप माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज देखो, उनके अंदर जो न्यूमेरिकल्स है ना वो JEE वाले, वर्नियर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आप चेक कर लो एक बार। हाँ बोलो, क्यों? अरे बायोलॉजी में क्या रीड करना होता है, बायोलॉजी के अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है? संडे को लेक्चर होगा। नहीं, संडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो फिर करेंगे, लेकिन फिर चैप्टर 3 से स्टार्ट होगा। और आपको चैप्टर 2 के अंदर जहां पे भी कहीं पे भी डाउट हो ना, वो मुझे आप फॉरवर्ड करो, ठीक है? एमसीक्यू मैं टाइम रहते मैं आपको क्लियर करके भेज दूंगा, ठीक है? ओके प्रिंसी, प्रिंसी, ये वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर आपका जो हुआ ना वो JEE के बेसिस पे हुआ। मैंने उनके अंदर मैक्सिमम जो JEE के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे वही रिलेटेड क्वेश्चन रखे, ठीक है? और आगे का जो परसेंटेज एरर वाला पोर्शन था ना, उनके अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सेकेंड यूनिट के अंदर जो मेन टॉपिक थे वो ये वाले, अभी आपको जो करनी है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और फिर भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको वो निकाल के देखता हूँ, ठीक है? और आपके पास SLR हो रहा है ना? एक काम करते,
काम करते, चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे होगा ना, तो वहां पे एक और लेक्चर हम कर लेते सेकेंड यूनिट के लिए, ठीक है? ओके, वहां पे थोड़े और हाई लेवल के एमसीक्यू लेके जाएंगे। ओके हेलो, ओके चलो मैं अभी यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ। तो एक और लेक्चर हम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में स्पेशली। अब देखो नीट वाले सुन ले ध्यान से, नीट वाला लेवल यही है, इनसे ज्यादा अपर लेवल नीट नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन जेडब्ल्यूई के लिए लास्ट लेक्चर जो होगा वो स्पेशली जेडब्ल्यूई के लिए। ओके ओके ओके, नीट के लिए ये मोर देन इनफ है ये वाला लेवल, लेकिन जेडब्ल्यूई के लिए थोड़ा और ऊपर जाना है, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर मैं लेक्चर रखूंगा उनके लिए, चलो। और संडे टेस्ट है, जस्ट फॉर रिमाइंडर।